गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत जल्दी नींद से उठी हूँ क्योंकि आज है महालया, और महालया का दिन हम लोग बहुत सब बंगाली लोग बहुत जल्दी नींद से उठती हूँ क्योंकि 4 बजे महालया का एक प्रोग्राम आता है टीवी पे, जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी, जिसमें दुर्गा माता का चंडी पाठ होता है, और चंडी पाठ के साथ बहुत सारा दुर्गा माता के ऊपर बहुत सारा गाना भी होता है। तो ये सब हम लोग सुनने के लिए उठती हूँ, और ये बहुत सालों से ये चल रहा है, और आज ही का महालया का दूसरा दिन से स्टार्ट हो जाता है नवरात्रि, और महालया का 7 डेज बाद शुरू हो जाते हैं दुर्गा पूजा। लेकिन इस साल तो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इस साल तिथि का कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं हो रहा है। इस साल 1 महीने के बाद सब फेस्टिवल आएगा। तो क्या महालया तो हो गया, तो हमने सुबह उठ के सुना महालया रेडियो पे, दुर्गा माता का चंडी पाठ सुना, और उनका चंडी पाठ के एक गाना है, बहुत ही अच्छा एक गाना है जो मैं आप लोगों के सामने अभी मॉर्निंग में सुनाऊंगी। वो बंगाली सॉन्ग है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग सुनिए मेरा ये बंगाली सॉन्ग। गाना तो गाना ही होता है, कोई भी लैंग्वेज में है हो क्यों ना हो, तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को कुछ लाइन, आप लोग सुनिए। बाजलो तो मार आलो बेनु मातलो जे सुनाया आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा आप लोगों को, और इसी के साथ मैं दुर्गा माता का भी वो करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज का दिन से तो हर साल तो काल से हम लोगों का पूरा फेस्टिवल का जो हम लोग दुर्गा पूजा में जो न्यू ड्रेस पहनती हूँ वो सब खरीदना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस साल थोड़ा सा कम हो रहा है। फिर भी हम लोगों का जो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि न्यू ड्रेस तो हम लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। दुर्गा पूजा के टाइम न्यू ड्रेस नहीं पहनेंगे तो पूजा ही नहीं होगा। तो अभी आज और एक है, आज हम लोगों का स्वीट भी खाना है क्योंकि हर साल स्वीट खाती हूँ महालया का दिन। इस बार तो बाहर से खरीद के खाना पॉसिबल नहीं, ऐसे भी मैं हमेशा घर में ही बना के खाती हूँ, तो इस बार भी मैं घर में ही बनाऊँगी स्वीट कुछ। तो देखती हूँ मैं कि स्वीट क्या बनाती हूँ, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी वो स्वीट डिश हो, और आप लोग मेरे साथ रहिए पूरा दिन। अभी तो बहुत सुबह है, अभी मॉर्निंग भी नहीं हुआ, सूरज भी नहीं आया अभी तक, तो
मैं धीरे धीरे सब कुछ करूँगी। आप लोगों को तो पता है मैं क्या क्या करती हूँ पूरा दिन, और आप लोग मेरे साथ रहिए और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, और मेरे स्वीट डिश को भी आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। आज मैं स्वीट बना रही हूँ, आज है महालया, और महालया का दिन हम लोगों को तो स्वीट चाहिए बंगाली लोगों का, लेकिन इस साल क्या है ना, बाहर से स्वीट लेके खा नहीं पाऊँगे हम लोग, इसके वजह से मैं घर में बना रही हूँ ये स्वीट। और ये जो स्वीट मैं बना रही हूँ बंगाली लोगों का बहुत ही फेमस स्वीट है, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ऐसे ये स्वीट भी बहुत फेमस है, इसका नाम है चमचम। तो ये चमचम मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को मैं दिखाऊँगी आज, तो आप लोग देखिए मैं चमचम कैसे बनाती हूँ, और आप लोग सीख लीजिए जल्दी से मुझसे, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। चमचम बनाने के लिए मैं 2 लीटर मिल्क का पनीर बनाया, छेना बनाया, और इसके लिए मैं सूजी लिया, रवा लिया। और पहले मेरा सबसे पहला जो काम है, पहले में जो छना है ना इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा नरम करना है, और जब आप लोग पनीर को बनाएंगे ध्यान रखना है पानी नहीं रहना चाहिए, और थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए पनीर, हार्ड हो जाएगा तो छना जो चमचम है वो चमचम भी हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे थोड़ा सा इसको माक लिया, नरम कर लिया। अभी मैं इसमें सूजी मिला देती हूँ, और 2 लीटर मिल्क के साथ मैं 3 टेबलस्पून सूजी लिया, और बहुत ही 2 पिंच थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया मैंने। अभी मैं एक साथ इसको मिक्स कर लूँगी, मैं अच्छी तरह से मसल लेती हूँ, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ करके इसको डो बनाना है। आप जितना अच्छी तरह से इसको बनाए स्मूथ करेंगे चमचम इतने अच्छा नरम होगा। देखिए मैं कितना अच्छी तरह से इसको नरम डो बना लिया, और मेरा डिश में बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, आप लोग समझ लेना। जब भी आप इसको बनाते मिक्स करते करते ऐसे हो जाएगा, इसको मसल मसल के ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल डिश में लगा हुआ नहीं, अपने आप डिश से उठ के आएगा पनीर, और किधर भी लगा नहीं रहेगा, तब आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये हो गया। अभी मैं इसको चमचम का शेप दे देती हूँ, आप लोग देखिए मैं चाशनी बिठा दिया, चाशनी यानी शीरा मैंने बिठा दिया चमचम के लिए। इसमें मैं 3 कप पानी दिया और 3 कप सुगर दिया। अभी अच्छी तरह से इसको उबलने दीजिए, और इसी टाइम में मैं चमचम सारे चमचम को मैं बना लेती हूँ। अभी मैं एक एक करके चमचम को बना लेती हूँ, एक मैंने बना दिया। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से करिए, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ चमचम को। मैं साइज़ अपने कभी कोई कोई बड़ा बड़ा बनाती है, कोई कोई छोटा छोटा बनाती है, ये मीडियम साइज़ का मैं बना रही हूँ। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको हाथों से ऐसे अच्छा करके, इसके बाद इसे शेप में दे रही हूँ। मैं सब एक एक करके बना लेती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ। देखिए मेरा चाशनी पूरा फूट गया, और मैं भी पूरा सब एक साथ बना दिया, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने बना दिया, सब एक साथ बना दिया मैंने। अभी सब एक एक करके छोड़ दूंगी, और सब एक साथ छोड़ना है, नहीं तो ये जो स्वीट है ना
ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से मैं सब एक साथ डाल रही हूँ। देखिए मैंने सब डाल दिया, अभी लीड से मैं ढक दूँगी इसको 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं उठाना इसको, ऐसे 20 मिनट तक पकने देना है, इसके बाद मैं उठा के देखूँगी। ठीक है, उठाती हूँ। उठाने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दे दूँगी, क्योंकि जो चाशनी है कम नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी में दे दूँगी बार बार, जिससे चमचम नीचे से नहीं लग जाए। ऐसे करके करके 2-3 घंटा इसको करना है। क्या है ना, ये जो चमचम है ना, वो बनाने में 2-2.5 घंटा लग जाते हैं। धीरे धीरे बनाना है इसको, और गैस को भी धीमी आंच में बनाना है। मैं इसको जल्दी बना सकती हूँ, क्या है ना, चीनी शुगर को मैं कैरामलाइज करके जैसे मैं चाशनी में डाल दूंगी तुरंत कलर आ जाएगा, चमचम का जो कलर होता है वो आ जाएगा। लेकिन मैं क्या ऐसे नहीं बनाऊंगी, जो दुकान में जो बनाती है चमचम, मैं उसी स्टाइल में बना रही हूँ, इसके वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। धीरे धीरे इसको बनाती है, धीरे धीरे देखिए आप लोग कितना अच्छा एक ब्राउन कलर आ जाएगा 2-2.5 घंटे के बाद, बहुत अच्छा कलर आएगा। और थोड़ा सा टाइम लेके करना पड़ेगा, इसे मैं ढक देती हूँ, इसको होने दीजिए। आप लोग देखिए मेरा चमचम का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देखा आप लोगों ने, मेरे दूसरे कढ़ाई में इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ये बड़ा हो गया। अभी मैं फिर से गर्म पानी इसमें डालूँगी, जैसे चाशनी सूख नहीं जाए। ऐसे ऐसे करके मैं 3-4 बार डालूँगी, फिर मैं ढक दूँगी। और अभी फिर धीमी आँच में, मीडियम आँच में इसको कलर चेंज होने के लिए रखूँगी मैं। मेरा जो चमचम है लगभग बन के रेडी हो गया, और थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं 3 घंटा इसको ऐसे इसमें चाशनी में छोड़ दूंगी, इसके बाद इसको खाने का टाइम आएगा। तो अभी थोड़ा खोला है मम्मा, कितना देर लगेगा? और बहुत टाइम लगेगा, 3 घंटे। 3 घंटे के बाद कितना देर रुकना पड़ेगा? 3 घंटा अभी नहीं बाबा, और भी 3 घंटा इसके बाद। अरे जल्दी जल्दी बनाना। मैं कैसे जल्दी जल्दी बनाऊंगी? बोलो जल्दी, इसका तो अपने टाइम है ना, इसका टाइम के हिसाब से होगा। नहीं जल्दी बोलो बनने के। नहीं नहीं जल्दी मैं कैसे बोलूंगी, जब हो जाएगा मैं दे दूंगी तुमको। 3 घंटा और भी वेट करना, 3 या 4 घंटा। कितने देर से तो वेट कर रही हो? अच्छा कुछ खाने के लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है ना। झटपट बनाना, तू बोलते ना झटपट बनाते हो। झटपट नहीं, मत देखो पक्का? हाँ पक्का, ठीक है। अभी तुम जाओ, मैं देखती हूँ, मैं जब भी हो जाएगा फिर मैं तुमको दिखा दूंगी। ठीक है। हुआ नहीं अभी तक? नहीं अभी तक नहीं हुआ, अभी टाइम है। लगता है तो हो गया। तुमको कैसे पता? लगता है थोड़ा सा आ गया, लगता है मुझे। अरे ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम? हाँ, 3 घंटा तो इसको होने में लगता है। इसके बाद इसको और भी चाशनी में डुबो के रखने के लिए और भी 3-4 घंटा इसको। इतना वेट करना मुश्किल है, वो भी स्वीट के लिए। तुम क्या कर रहे हो इधर? मैं सब क्लीन कर रही हूँ, अभी सब बनाया, वो सब गंदा हो गया। ये बहुत अच्छा हो रहा है, कलर अभी आ गया इसमें। अभी देखो कैसा हो गया। देखिए 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 उठाओ। अरे कहीं तो एक एक सब स्वीट, कहीं तो एक एक को वो है ना, उन लोग का सिस्टम है ना,
रसगुल्ला व्हाइट होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम गुलाब जामुन रेड होना चाहिए। बहुत लंबा सिस्टम है, बहुत लंबा सिस्टम है। 3 घंटा किसी स्वीट के लिए वेट करना मुश्किल है यार। क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा चीज खाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, पता है? सबूर का फल अच्छा होता है, लेकिन सबूर करना बहुत मुश्किल होता है। ये अभी जो बनाया अभी खा देगा तो ना, रात को खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी इसको बनाया, इसके बाद रखेंगे जितना देर तक। अभी नहीं खाएंगे? अरे नहीं, वो 3 घंटे और रात को खाएंगे, रात को डिनर के बाद। वो भी डिनर के बाद? तो रात को डिनर के बाद वो खाना खाने के बाद थोड़ा स्वीट खाना अच्छा होता है ना, इसलिए तो मैंने बनाया रात को खाना खाने के बाद। फिर मैं दिखाती हूँ अभी सबको, तुमको भी मैंने दिखाती हूँ। पहले मुझे दिखाओ, बाद में सबको। चलो मैं दिखाती हूँ, तुम थोड़ा सा साइड ले लो, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं दिखाती हूँ अभी, मेरा चमचम बन के हो गया। देखिए मेरा चमचम का कलर कितना अच्छा हुआ, अभी बन के बिल्कुल रेडी हो गया मेरा चमचम। वाह कितना अच्छा हुआ, देखा आप लोगों ने। अभी मैं इसको 3 या 4 घंटे के लिए इसको चाशनी में छोड़ दूंगी, इसके बाद ये खाने का लायक हो जाएगा। ठीक है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ अभी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया चमचम का। अभी मेरा चमचम बन के बिल्कुल रेडी हो गया, देखा तुमने मैंने कैसे बनाया चमचम को, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही। और ये जितना आप लोग जितना दिखने में जितना अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। नाम ही उसका चमचम है। तो खाने बहुत में अच्छा, अच्छा होता है, खाने में भी नाम कितना प्यारा, किसने इतना अच्छा नाम उसका, जैसे देखने में नाम भी ऐसे है चमचम। वाह कुछ अच्छा ओकेशन, कुछ शुभ मुहूर्त पे स्वीट तो बिल्कुल। मुझे तो बिना ओकेशन अभी खाने के लिए 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, बहुत देख लिया, 3 या 4 घंटा वेट करना पड़ेगा, इसके बाद खाना है। आप लोगों ने तो देख लिया मैंने कैसे चमचम को बनाया, कितना क्वांटिटी में मैंने रावा या सेमोलिना डाला वो आप लोगों ने देखा, और पनीर कितना लिया मैंने, 2 लीटर पनीर, मिल्क का मैंने पनीर बनाया था, और इसको कैसे आप मसल के कैसे डो बनाना है, कितना सॉफ्ट डो बनाना है वो मैं सब आप लोगों को दिखा दिया, और कैसे बनाना है वो भी मैंने दिखा दिया। ये थोड़ा सा धीरे धीरे बनाना है, थोड़ा सा अभी कैसे खाना है वो दिखाना है। और एक बात मैं बताऊँ, चमचम बनाने के टाइम थोड़ी देर बाद इसको गरम पानी देना है इसमें चाशनी में, तो क्योंकि है ना जैसे चाशनी शीरा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तुरंत इसमें गरम पानी देना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना। तो अभी इसको रेडी होने दीजिए, शीरा में थोड़ा सा इसको भरने दीजिए रस, इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को और सबको खिला के भी दिखाऊंगी 3 घंटे के बाद। तो चलिए मैं अभी किचन से जाती हूँ, मेरा बहुत बाकी काम पड़ा है। चलो मैं अभी तुम इधर खा रहे हो, मेरा सब हो गया, मैं अभी जाती हूँ, मेरा बाकी सब काम है, मुझे दिया जलाना है भगवान का, भाग गए आगे, अभी मुझे दिया जलाना है भगवान के, इसके बाद मैं आके मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, आप लोग देखा मेरा स्वीट बन के बिल्कुल रेडी हो गया, कितना अच्छी तरह से बना मेरा स्वीट, आप लोगों को मैंने दिखा देती हूँ एक काट के। देखिए ये जो स्वीट है मैं अच्छी तरह से काट के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट होके काटा, देखा बहुत ही अच्छी तरह से, वाह कितना अच्छा लगा। अभी डिनर कंप्लीट हो गया, इन लोगों को मैं देख के आती हूँ स्वीट, इन लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं स्वीट के लिए। बहुत टाइम से लक्ष्य हाँ स्वीट लेने के लिए चलो, खाके बोलो कैसा हुआ। हाँ। अच्छा हो ना, तुमको तो कब से खाने के लिए मन कर रहा है, मम्मा खिला दूँ थोड़ा सा। पापा किधर है? हाँ। निखिल हाँ। आ जाओ आ जाओ,
जल्दी आ जाओ, किधर जाके बैठे हो तुम? अरे तुम लोगों ने खा लिया मुझे छोड़ के? खाया नहीं अभी तक, रुको। आज मेरा शुभ महालय। अभी तो मैं तो आपको तुमको शुभ महालय बोला ही नहीं, शुभ महालय। आज महालय का स्वीट खाना हो गया हम लोगों का, और मत खाऊंगा आज महालय का स्वीट खाना हो गया। अभी आज से स्टार्ट हुआ स्वीट बनाना, क्योंकि इस बार तो एक महीना बाद दुर्गा पूजा है, इसके बाद आएगा दीपावली, इसके बाद लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, सब में स्वीट बनाना। मिठाई ही मिठाई है तो मिठाई, और सब मिठाई मैं घर में बनाती हूँ। और जब आज से ये मिठाई बनाना सीखा है ना, तब से और भी ज्यादा स्वीट होते जा रही है। चल हो गया। स्वीट खाने से स्वीट नहीं होता, प्यार से स्वीट होता है। ऐसा है तो क्या ना, तो आज मैं जैसे स्वीट बन इसको चमचम को बनाया, आप लोगों को दिखाया, और आप लोग भी बनाइए और खाइए, और मैं जैसे जैसे बोला ऐसे ऐसे आप लोग बनाइएगा। आज के लिए इतना ही है, और टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। और स्वीट खाते रहिए, स्वीट खाते रहिए, स्वीट ज़्यादा खाइए, क्योंकि अभी तुम बोलोगे नहीं बोलोगे फिर भी स्वीट खाएगा। अभी स्वीट का ही फेस्टिवल है, सब स्वीट के फेस्टिवल अभी तो शुरू हुआ, गणेश पूजा से तो शुरुआत फेस्टिवल शुरू हो गया, एक के बाद एक। अभी तुम बोलोगे या ना बोलोगे सब स्वीट लेगा। मीठू जैसा चमचम बनाया ना, ऐसे ही बने और ऐसे ही खाएंगे। तुमने सीखा मैंने कैसे बनाया? वो जैसा स्वीट हो जाएंगे आप लोग। अच्छा तुम तो इन लोगों को बोल रहे, तुमने सीखा कैसे मैंने बनाया? मैंने सीखा ना तुमको किसने सिखाया? मैंने सिखाया, इसीलिए तो अभी खाओ, मैंने बनाया अभी आराम से खाओ, इसीलिए तो इतना स्वीट हुआ, मैंने सीखा इसके वजह से इतना स्वीट हुआ। अभी खाओ, बैठ बैठ के आराम से खाओ, मैं रात को ज्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि एक थोड़ा सा खा लिया ठीक है, रात हो गया, और नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, कल मॉर्निंग में खा सकती हूँ, पड़ा है बहुत, मैंने फ्रिज में रख दिया, कल खाऊंगी आज। तो चलिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। Good night, sweet dream, tata, sab tata bol do. Bye, good night, good night, good night.